बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्डप्रेस में बनाई जाने वाली वेबसाइट के दो मेन कंटेंट्स हो सकते हैं, एक है पोस्ट और एक है पेजेस। व्यूअर्स, पोस्ट और पेजेस को इस्तेमाल करने से पहले इनका फ़र्क समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क है। व्यूअर्स, पोस्ट और पेजेस में जो पहला फ़र्क है वो ये है कि पेजेस स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक से क्या मुराद, आपने जब एक पेज क्रिएट कर दिया तो उस पेज के कंटेंट्स खुद ब खुद चेंज नहीं होते हैं। आप उस पेज के कंटेंट्स को, ज़्यादातर सूरतों में ऐसा ही होता है कि वो सेम रहते हैं। पेजेस स्टैंड अलोन होते हैं, यानी जब एक पेज आप डिस्प्ले कर रहे होते हैं तो उस वक्त उसका दूसरे पेज से कोई ताल्लुक नहीं होता। हर पेज इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी वेबसाइट के अंदर। और अगर कंटेंट्स की बात करें तो आपके पेजेस की एग्जांपल हम ले सकते हैं अबाउट पेजेस। अबाउट पेज यानी जिसमें आप अपने वेबसाइट में अपने बारे में बताते हैं, कॉन्टैक्ट के पेजेस और FAQs के पेजेस। दूसरी तरफ पोस्ट की अगर बात करें तो पोस्ट डायनामिक होते हैं। डायनामिक से क्या मतलब है, पोस्ट के कंटेंट्स डेफिनेटली चेंज होते रहते हैं, नई नई पोस्ट ऐड की जाती हैं डिफरेंट पेजेस पे। व्यूअर्स, यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी आप समझ सकते हैं कि एक पेज पे बहुत सी पोस्ट हो सकती हैं और पोस्ट हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 1 जनवरी को एक पोस्ट जो है वो अपने वेब ब्लॉग पे या अपने वेबसाइट पर जो है वो लॉन्च की है, और मैं 2 जनवरी को जो पोस्ट लॉन्च करूंगा या अपडेट करूंगा वो पोस्ट पहले नज़र आएगी और 1 जनवरी वाली पोस्ट जो है वो नीचे जाती जाएगी। इसी तरह जैसे जैसे मैं न्यू पोस्ट एंटर करता जाऊंगा, पुराने वाली पोस्ट नीचे की तरफ जो है वो खिसकती चली जाएंगी उसी पेज के ऊपर। तो इसलिए हम कहते हैं कि पोस्ट जो है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्प्ले की जाती हैं। अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो पोस्ट के जो कंटेंट्स हैं उनमें न्यूज़, आपके ब्लॉग्स और आपके आर्टिकल्स वगैरह शामिल होते हैं। और व्यूअर्स, इससे भी ज़्यादा अहम फ़र्क जो किसी पोस्ट और पेज में है वो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्क। व्यूअर्स, आपकी जो पोस्ट हैं वो आप डेट पब्लिशिंग की डेट और टाइम के मुताबिक जो है वो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, कैटेगरी वाइज आप ऑर्गेनाइज करते हैं, टैग्स वाइज ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑथर वाइज ऑर्गेनाइज करते हैं। व्यूअर्स, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप जब पोस्ट्स में सर्च करते हैं तो आप कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हैं, टैग्स के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, इवन किसी एक ऑथर के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ पेजेस में जो रिलेशनशिप होता है वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप होता है, यानी जब आप एक पेज देख रहे हैं तो उस पेज पे जो लिंक है उस लिंक से जब आप जंप करते हैं तो बेसिकली आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं, तो जो दूसरा पेज है वो उसका पेरेंट, वो चाइल्ड पेज है, जो पहला पेज था वो उसका पेरेंट जो है वो पेज था। इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर तरीके से समझने के लिए हम एक वेबसाइट को विजिट करते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पोस्ट और पेजेस में क्या डिफरेंस है। व्यूअर्स, इस वक्त मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है और आप इसमें टॉप पे पेजेस देख रहे हैं डिफरेंट। ये जो आपको मेन्यूज नज़र आ रहे हैं, मसलन इवेंट इन्फॉर्मेशन ये आपका पेरेंट पेज है और इसमें जो डिफरेंट आपको दूसरे पेजेस नज़र आ रहे हैं, टिकट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, फैक्ट्स, FAQs, ये आपके चाइल्ड पेजेस हैं। इसी तरह अबाउट में व्यूअर्स, आपका अबाउट जो है वो मेन पेज है या पेरेंट पेज है और उसमें आपके दूसरे चाइल्ड पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें पोस्ट्स की तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट्स नज़र आ रही हैं और उनके ऑथर्स का नाम भी नज़र आ रहा है। मसलन यहाँ पर जो पहली पोस्ट आपको नज़र आ रही है वो है गेट योर ऑफिशियल 12/12 शर्ट नाउ पोस्टेड बाय, यहाँ पे ऑथर का नाम आ रहा है, ऑन December 18, 2010 5:40 PM। अगर हम नीचे की तरफ जाएँ तो हमें डिफरेंट पोस्ट मज़ीद नज़र आएंगे। आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये दूसरी एक पोस्ट है जो कि 21 दिसंबर को पोस्ट की गई है और 10 बजे जो है पोस्ट की गई है। ये पहली वाली पोस्ट से पुरानी पोस्ट है इसलिए ये नीचे नज़र आ रही है आपको। और व्यूअर्स, यहाँ पर काबिले जिक्र और काबिले जो है वो नोट करने की बात ये है कि आपकी जो पोस्ट हैं ये सब तमाम डिफरेंट पोस्ट आपको एक ही पेज पर नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है कि आप एक पेज पे बहुत सी पोस्ट एंटर करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक खास ऑथर की पोस्ट जो है वो आप सारी की सारी उसी की पोस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पोस्टेड बाय इस ऑथर का नाम लिखा हुआ है, मॉर्टन रैन। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो इससे इस ऑथर की जितनी भी पोस्ट की हुई पोस्ट होंगी वो सब की सब जो है वो मुझे मेरे सामने आ जाएंगी। और अगर आप इस वक्त एड्रेस बार में देखें व्यूवर्स तो वेबसाइट के एड्रेस के बाद ऑथर और उसके बाद मॉर्टन, यकीनन उस ऑथर के नाम का एब्रीविएशन यूज़ किया गया है और ये आपके सामने वो तमाम पोस्ट्स आ गई जो कि हमारे पास मॉर्टन ने, आप देखिए किस आए मॉर्टन, ये तो मॉर्टन की पोस्ट जो है आपके सामने आ गई। तो व्यूवर्स,
ये मेन डिफरेंस है पोस्ट में और पेजेस में।